आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट लड्डू, और उसे आज हम बनाएंगे घर से बना, मतलब घर के हम मतलब फटाफट से हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। कंडेंस मिल्क से हम नारियल का लड्डू बनाएंगे जो बहुत जल्दी बन जाता है। जब आपके पास कम टाइम हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं इसे आई बटन पे और एनी स्क्रीन पे दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और उसके तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट ले लिया है, तो कोकोनट मैं यहाँ पर 100 ग्राम ले रही हूँ। तो कंडेंस मिल्क भी आपको 100 ग्राम लेना है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और ये है रेड ऑरेंज कलर, अगर आपको ग्रीन कलर में बनाना है या रोज़ कलर में, जो कलर बनाना है वो कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप वाइट ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी को गर्म कर रही हूँ, करीब एक छोटा चम्मच घी गर्म करने के बाद यहाँ पर हम कोकोनट को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि उसका जो कच्चापन है वो चला जाएगा। तो बस इसे कुछ सेकंड हम ऐसे ही रोस्ट कर देंगे हल्का सा देसी घी के साथ, जिसे खुशबू बहुत अच्छा आएगा और हमारा जो कोकोनट में अगर नमी है तो वो चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर जो है उसे थोड़ा सा दूध में, मतलब यहाँ पर एक चौथाई कप दूध में मैं यहाँ पर रेड ऑरेंज कलर जो है उसे यहाँ पर घोल रही हूँ 1 पिंच। और अगर आप जो भी कलर डालना चाहते हो उसे यहाँ पर आप ऐसे घोल लीजिए। और उसके बाद हल्का रोस्ट जब हमारा हो जाएगा कोकोनट, तब हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क को ऐड कर देंगे। अगर आपका कंडेंस मिल्क जैसे कि कभी कभी होता है गाढ़ा या पतला रहता है तो कम ज़्यादा लग सकता है, तो इसमें आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कंडेंस मिल्क को डाल देती हूँ। और ये जो कंडेंस मिल्क है ये बिना दूध का कंडेंस मिल्क बनाई हूँ मैं, इसका भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास रेडीमेड कंडेंस मिल्क है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो घर में बनाकर आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे रेड ऑरेंज कलर और उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर, मतलब हम 1 मिनट इसको ऐसे ही चम्मच चलाएंगे, जिससे कि सभी अच्छे से पक जाए। और देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है, ऑरेंज कलर। आप इसको कोई भी कलर में बना सकते हैं या फिर सिर्फ वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे आप अपने मन चाहे आकार में इसे गोल गोल आप लड्डू जैसे हम बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे गोल गोल लड्डू का शेप दे देती हूँ। तो बहुत आसान है, इसे आप हाथ में लेके आप ऐसे तो करेंगे बहुत आसानी से ये बन जाता है। इसमें शक्कर वगैरह हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हम कंडेंस मिल्क डाले, कंडेंस मिल्क ऑलरेडी ऐसे मीठा होता है। और भी मैंने इसका रेसिपी शेयर किया हुआ है, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा स्वीट रेसिपी में आप मेरा प्लेलिस्ट में देख कर। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कोकोनट का जो पाउडर है उसमें हम ऐसे इसको कोट कर देते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा हमारा लड्डू है बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो बस सारे लड्डू को हम ऐसे ही बना लेंगे, बहुत ही आसान है इसे बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है और झटपट बनने वाला स्वीट डिश होता है। इसे आप स्टोर कर रख सकते हैं। आप इसे स्टोर करना चाहते हैं ज़्यादा दिन, तो ज़्यादा बन गया है तो फ्रिज में स्टोर कीजिए और थोड़ा बहुत ही बाहर रखिए, नहीं तो कभी कभी ख़राब होने का भी डर रहता है। तो ये देखिए सभी को बस ऐसे बनाने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू हमारा बन गया, कलर भी कितना अच्छा आया है। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर दिख रहा है। इसे आप फ्रिज में रख कर आप इसे 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए झटपट बनने वाला हमारा लड्डू, आप ऐसे कंडेंस मिल्क बना सकते हैं, कंडेंस मिल्क का डायरेक्ट लड्डू बना सकते हैं, और एक स्वीट डिश आपका बनकर तैयार है जो कि झटपट बन जाएगा। तो जरूर आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम